हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो सोचेगा कि उसे हमेशा किराए के घर में रहना है। हर कोई चाहता है कि उसका अपना एक घर हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आए हैं जयपुर की प्राइम लोकेशन वैशाली एक्सटेंशन में। तो दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं 3 BHK प्रीमियम हाउस, जहाँ पे आपको मिलने वाला है एक पार्टी एरिया, जो कि होने वाला है आपके रूफटॉप गार्डन पे। और साथ ही में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है सिक्योरिटी पर्पज से CCTV कैमरा। दोस्तों, इसकी लोकेशन रहने वाली है चित्रकूट अंडरपास से वॉकिंग डिस्टेंस पर, हीरा नगर ए में। 117 गज में बना है ये खूबसूरत हाउस, और साथ ही में 17.5x60 के डायमेंशन में बना है। ईस्ट फेसिंग ये हाउस होने वाला है। इसके बाहर आप देख सकते हैं कि 30 फीट वाइड रोड आपको मिल जाती है। साथ ही में आसपास की लोकेशन की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी रेजिडेंशियल लोकेशन है। बहुत ही अच्छी लोकेशन में ये घर आपको मिलने वाला है। और आसपास की कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, तो जयपुर रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड यहां से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। और स्कूल की अगर मैं बात करूं, तो जयश्री पेरीवाल यहां से 500 मीटर की दूरी पर ही आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप एंटर करेंगे, देख सकते हैं कि आपको जो एंट्री गेट मिल रहा है, आयरन का काफ़ी हैवी डोर आपको मिल रहा है। आप देख सकते हैं अच्छे डिज़ाइन के साथ में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टफन ग्लास यहाँ पे आपको लगा के दिया जाएगा। आप देख सकते हैं घर के बाहर आपको यहाँ पे गार्डन एरिया मिल रहा है, जहाँ पे आप प्लांटिंग कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं। तो जैसे हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मिल जाएगा वाटर टैंक का प्रोविज़न। और ये आ जाता है हमारा पोर्च एरिया। देखेंगे कि बहुत ही स्पेशियस आपको पोर्च एरिया मिल रहा है। 9x24 के डायमेंशन में आपको पोर्च एरिया मिल रहा है। नीचे देखेंगे कि टाइल्स का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है फ्लोरिंग पे। और आप देख सकते हैं इतना अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है कि यहाँ पे आपकी 2 4-व्हीलर आराम से पार्क हो सकती है। और इधर की साइड जब हम आते हैं, तो यहाँ पे आराम से आपकी 2 से 3 2-व्हीलर्स पार्क हो सकती है। साथ ही में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको टैब मिल जाता है आपकी कार और बाइक्स को वॉश करने के लिए। वॉल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वुडन टेक्सचर की टाइल्स का यूज़ देखने को मिलेगा। चलिए, अब जल्दी से हम विला के अंदर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको मीटर के लिए प्रोविज़न मिल जाता है सेपरेट। अंदर जाने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, अब हम चलते हैं हमारे विला के अंदर। तो एंटर आप करेंगे, तो देखेंगे कि हमें जो डोर मिल रहा है वुडन का, काफ़ी हैवी डोर मिल रहा है। बीच में आपको सिल्वर स्ट्रिप्स का वर्क देखने को मिलेगा और लॉक्स के साथ में। एंटर करते ये आ जाता है हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि यहाँ आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपके लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में आपको आपका LED पैनल मिल जाएगा। स्टेयर्स के नीचे आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है। साथ ही में ये हमारे 8-सीटर सोफ़ा सेट आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक कॉमन वॉशरूम। तो चलिए, हम हमारे इसके डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है, जो कि 17x17 के डायमेंशन में आपको मिल रहा है। काफ़ी अच्छा स्पेस है। देख सकते हैं कि आपको 8-सीटर सोफ़ा मिल रहा है। पीछे की वॉल पे हम देखेंगे, वॉलपेपर आपको मिल रहा है मैट फिनिश के साथ में। और यहाँ पे आपको हैंडमेड वुडन आर्ट वर्क भी देखने को मिलेगा विद थीम लाइट। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं थीम लाइट के साथ में आपको मिल रही है। फैन आप देख सकते हैं, बिल्कुल फैंसी फैन। से आगे हम चलते हैं, तो यहाँ आ जाता है हमारा TV पैनल। आप देख सकते हैं वुडन का, काफ़ी हैवी आपको एकदम डार्क वुडन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। नीचे आपको कैबिनेट मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए, और पास में शेल्फ। ये हमारा स्टोरेज एरिया आ जाता है। यहाँ बॉक्स आपको मिल रहा है स्टोरेज के लिए। साथ ही में आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स के नीचे एक आपको स्टोरेज के लिए यहाँ सेपरेट जगह मिल जाती है। तो कोई भी सामान आपका बाहर नहीं रहेगा, यहाँ हमको शेल्फ मिल जाता है। अब हम चलते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम की तरफ, जो कि हमें हमारे लिविंग एरिया में मिल रहा है। तो 4x5 के डायमेंशन में आपको आपका ये कॉमन वॉशरूम मिल रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं अच्छा स्पेस है। आपके घर में कभी भी कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं, तो आराम से वो इस कॉमन वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गीजर की फैसिलिटी भी मिल रही है दोस्तों। तो जैसे ही हमारे वॉशरूम से बाहर निकलेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन एरिया आ जाता है। ये आपका लुकिंग मिरर हो गया है। सेरा के फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही है।
साथ ही में यहाँ पे टफन ग्लास का यूज किया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं हमारे किचन की तरफ। तो हम जैसे ही हमारे किचन में एंटर होंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वुडन का पार्टीशन मिल जाएगा बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ में। और एंटर होते हैं यहाँ पे आपको एक लाइट लैम्प, हैंगिंग लाइट लैम्प भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 7x14 के डायमेंशन में ही हमारी मॉड्यूलर किचन है। हम देखेंगे यहाँ पे आपको चिमनी की फैसिलिटी मिल जाती है, पास ही में आपको दो विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, काफ़ी अच्छा आपको बड़ी विंडो मिल रही है, एल शेप में आपका प्लेटफॉर्म हो जाता है। और इसी के साथ में नीचे जो हमें कैबिनेट्स मिल रहे हैं वो हमें सॉफ्ट क्लोजर के साथ में मिलने वाले हैं। ऊपर भी हमें कैबिनेट्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे थीम लाइट भी मिल जाती है। ये आपका वेट एरिया हो जाता है। पीछे की वॉल पे आप देख सकते हैं कि जो टाइल्स का यूज़ किया गया, डार्क कलर की टाइल्स का यूज़ किया है, ताकि अगर खाना बनाते वक्त कभी कोई छींटे वगैरह लग जाएं तो वो कवर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आपके फ्रिज के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस। और ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ आपको गीज़र की फैसिलिटी भी मिल रही है, फैंसी फ़ैन आपको यहाँ लगा के दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि हमें हमारे लिविंग एरिया में मिल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। 12x14 के डायमेंशन में आपको आपका फर्स्ट बेडरूम मिलने वाला है। फ्लोरिंग पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी टाइल्स का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। बैक वॉल की तरफ हम आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मैट टेक्सचर में वॉलपेपर देखने को मिलेगा। पास में आ जाती है हमारी वेंटिलेशन के लिए विंडोज़, काफ़ी बड़े साइज़ की आपको विंडो मिल रही है, यहाँ से वेंटिलेशन और सनलाइट का प्रॉपर आपको सोर्स मिल जाएगा। साइड में आ जाती है हमारी वार्डरोब। वार्डरोब आप देख सकते हैं वुडन की वार्डरोब है, और इसके ऊपर सनमाइका का वर्क आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही हार्ड वुडन का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यानी कि बहुत ही ब्रांडेड चीज़ों का यूज़ किया है। और देख सकते हैं कि गोल्डन स्ट्रिप की डिज़ाइन यहाँ पे आपको दी गई, फुल आपकी वार्डरोब है। इसी के पास हम आते हैं तो यहाँ आ जाता है हमारा LED पैनल, वुडन का LED पैनल आपको मिल रहा है। डार्क वुडन का यहाँ पे यूज़ किया है। नीचे आपको मिल जाते हैं कुछ कैबिनेट्स, और इधर आ जाता है हमारी वार्डरोब के जस्ट पास में आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया, ये आपका लुकिंग मिरर हो जाता है। अभी हम चलते हैं हमारे अटैच वॉशरूम की तरफ। इस रूम में आपको जो अटैच वॉशरूम मिल रहा है 4x10 के डायमेंशन में मिल रहा है, काफ़ी अच्छा स्पेस हो जाता है दोस्तों। ये हमारा वेट एरिया हो जाता है। वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं आपको विंडो मिल रही है पीछे, और यहाँ आ जाता है आपका वॉश बेसिन। नीचे आपको काफ़ी अच्छे ड्रॉअर्स मिल जाते हैं सामान रखने के लिए, और इसी के साथ में इस रूम में आपको मिल जाती है एक गैलरी। तो दोस्तों ये आपकी गैलरी हो जाती है, यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको वेंटिलेशन भी मिल जाएगा, साथ ही में आपको टैब मिल जाता है, तो इससे आप अपना वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। अभी हम चलेंगे दोस्तों हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। चलते चलते मैं आपको इस विला के प्राइस के बारे में भी बता देती हूँ। तो दोस्तों इसकी प्राइस रहने वाली है 1.30 करोड़, और इसी प्राइस में आपको मिलने वाला है फुल्ली फर्निश्ड ये विला। और इस विला की एक खास बात मैं आपको बता देती हूँ कि इसके रूफ टॉप पे आपको मिलने वाला है एक खूबसूरत सा गार्डन, और साथ ही में यहाँ पे आपको पूजा स्पेस भी मिलने वाला है। तो चलिए हम जल्दी से हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चलते हैं। चलते चलते आप देखिए कि यहाँ पे आपको स्टील की रेलिंग मिल रही है, टफन ग्लास का वर्क मिल रहा है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको एक बड़े साइज का आपको शैंडलियर देखने को मिलेगा। तो अभी हम चल रहे हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयर्स की वॉल पे आप देख सकते हैं कि आपको कुछ फैंसी लाइट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ऊपर आते ही आ जाता है हमारा लॉबी एरिया आप देखेंगे, और इसकी बैक वॉल पे आपको एक मैट फिनिश के साथ में ब्लू कलर के डिज़ाइन में वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं दो बेडरूम्स, एक आपके राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो चलिए हम पहले हमारा सेकंड बेडरूम देख लेते हैं, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम होने वाला है। तो दोस्तों इसके डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 17x14 के डायमेंशन में आपको ये बेडरूम मिलने वाला है। यह आपका मास्टर बेडरूम हो जाता है। आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है बेड के आसपास, यहाँ पर आप आराम से चेयर्स भी लगा सकते हैं। बेड के पीछे आपको कुशन वर्क मिल जाएगा, साथ ही में आपको वुड वर्क मिल जाएगा, वुडन पैनल आपको मिल जाएंगे, दोनों साइड आपको मिल जाती है टेबल। पास में आ जाती है हमारी वार्डरोब, आप देख सकते हैं वुडन की फुल और बड़े साइज की वार्डरोब आपको मिल रही है। इसी के आगे हम आते हैं तो यहाँ आ जाता है हमारा LED पैनल, देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ का LED पैनल है, किसी भी साइज़ की LED आप यहाँ पर
प्लेस कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही में कुछ शेल्फ आपको मिल जाते हैं और इसी के पास में आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया। इसी के पास में हमें मिल जाता है हमारा वॉशरूम, अटैच वॉशरूम। तो 5x9 के डायमेंशन में आपको आपका अटैच वॉशरूम मिल जाता है। ये आपका वेटो एरिया हो जाएगा। गीजर की फैसिलिटी आपको मिल रही है दोस्तों, और आपकी जो सीट है वो वॉल माउंट है, तो नीचे सफाई करने में कोई आपको इशू नहीं आने वाला है। ये आपका वॉश बेसिन हो जाता है। और इसी के साथ में इस रूम में आप देखेंगे बेड के पास में यहाँ आपको मिल जाती है एक स्टडी टेबल। अगर आप वर्क फ्रॉम होम हैं तो ये आपके लिए आराम से बेटर रहेगा। यहाँ पे आप अपना लैपटॉप रख के और अपना वर्क कर सकते हैं। और हम देखेंगे इस रूम में भी हमें मिल जाती है एक गैलरी। ये दोस्तों हमारी गैलरी आ गई, देख सकते बिल्कुल ओपन है, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा, हवा एकदम अच्छी यहाँ से आपके रूम में आएगी। और आपको टैब भी मिल जाता है, तो आप इसे अपना वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं। अभी दोस्तों हम चलेंगे हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, जो बिल्कुल इसी के सामने आपको मिलेगा। तो ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम दोस्तों, 17x11 के डायमेंशन में मिल रहा है आपको ये बेडरूम। इसका भी स्पेस आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ में आपको मिल रहा है। और इस रूम की खास बात है कि यहाँ आपको मिलने वाला है एक पूजा स्पेस। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे पूजा स्पेस मिल रहा है पीवीसी कटिंग के साथ में। सामने हम देखेंगे ये आ जाता है हमारा एलईडी पैनल, वुडन का एलईडी पैनल आ जाता है। नीचे स्टोरेज के लिए हमें काफ़ी सारे कैबिनेट मिल रहे हैं, और दोनों साइड आपकी वार्डरोब आ जाती है फुल साइज़ की। साथ ही में हम देखेंगे कि यहाँ भी आपको बेड के पास में आपके विंडो के जस्ट पास में आपको आपकी एक टेबल मिल जाती है, जो कि वॉल माउंट है। आप देख सकते हैं सफाई वगैरह की भी कोई इशू नहीं, और आराम से आप यहाँ पे बच्चों का रूम है तो स्टडी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम है तो अपना ऑफिस वर्क कर सकते हैं। और इधर की साइड में आ जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया। बेड के पीछे आप देखेंगे कि आपको कुशन का वर्क मिल रहा है, प्लस आपको डार्क वुडन का वर्क भी देखने को मिलेगा। कुछ फैंसी लाइट्स आप देख सकते हैं कि आपके बैक वॉल पे दी हुई हैं। अभी हम देख लेते हैं हमारा वॉशरूम, जो कि आपको आपके आपके वार्डरोब्स के जस्ट पास में मिल जाता है दोस्तों। 5x9 के डायमेंशन में मिल रहा है आपको आपका वॉशरूम। देख सकते हैं सीट और वॉश बेसिन का जो कैबिनेट है दोनों वॉल माउंट है, और ये आपका वेट एरिया हो जाता है। गीजर की फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है, सेरा के फिटिंग्स की हुई हैं यहाँ पर। तो अभी हम देख लेते हैं हमारी बालकनी। देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े साइज की विंडो भी मिल रही है, जहाँ से काफ़ी अच्छा सनराइज का सोर्स आपको मिल रहा है। अब हम देखेंगे हमारी बालकनी। तो दोस्तों जैसे ही हमारी बालकनी में आ जाते हैं बहुत ही अच्छा हमको फ्रंट व्यू देखने को मिलेगा। फ्लोरिंग पे टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, साइड वॉल पे आप देखेंगे कि वुडन टेक्सचर की टाइल्स का यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में टफन ग्लास का रेलिंग में यूज़ किया है और स्टील की रेलिंग है। लोकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी रेजिडेंशियल लोकेशन है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि एकदम रेजिडेंशियल लोकेशन में उनका घर हो। तो चलिए अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे रूफ टॉप की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको रूफ टॉप पे मिलने वाला है एक बहुत ही बढ़िया गार्डन। तो इस रूम के जस्ट पास से ही हमें मिल जाती है हमारी स्टेयर्स। तो अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। दोस्तों ये आ गया है हमारा रूफ। देखेंगे कि बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लोरिंग पे जो टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, और बैक वॉल पे यहाँ पे आपको टेक्सचर पेंट का वर्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक देखेंगे प्लांटिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह आपको मिल जाती है, यहाँ पे आप गमले वगैरह लगा सकते हैं। साथ ही में ऊपर आप ये ग्लास देखेंगे, ये इतना स्ट्रांग है कि अगर आप इस पर खड़े भी हो जाएंगे तो भी जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अच्छा स्पेस मिल रहा है, तो अगर आप कोई भी पार्टी, छोटी मोटी पार्टी या गैदरिंग्स आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ भी सामान वगैरह स्टोर करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्टोरेज रूम मिल जाता है। तो यहाँ आप आराम से अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ आपको मिल रहा है रूफ टॉप गार्डन,
तो ये आ जाता है आपका रूफटॉप गार्डन। आप देखेंगे आर्टिफिशियल ग्रास यहाँ पर लगाई हुई है और आप देखेंगे कि वॉल पे नीचे यहाँ पे आपको कुछ फैंसी लाइट मिल जाती है, यानी कि नाइट के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लुक आपको मिलने वाला है। लोकेशन आप देखेंगे दोस्तों, रेजिडेंशियल लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। लोकेशन मैंने आपको बताई थी कि ये हीरा नगर ए में है, चित्रकूट अंडर पास से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो इसी के साथ में दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आई होप कि आपको ये हाउस पसंद आया होगा। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये घर। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आगे इसी तरह और आपके लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आते रहेंगे। तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच।